हम नहीं बोलने की बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। रुके भैया आपके यहाँ पर। अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दालाई पर हम नहीं बोलेंगे बात। सर मेरे ये दो बेटे हैं, मैं दो बेटों को लेकर सरकारी मकान सेक्टर इलाशाना में रहती हूँ। मेरे पति ने मेरी लाइट कटवा दी है, मेरे बच्चों को हमें इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ मेरे पति डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मुख्यमंत्री के आवास पे बैठते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते हैं, वहीं का फ़ायदा उठा के वहाँ से निजी सचिव से कभी मंत्रियों से किसके फ़ोन करा के खुद भी फ़ोन करके और एप्लीकेशन बिजली विभाग में एप्लीकेशन लगाई कि हमारी लाइट काट दी जाए। बताइए सर मैं इन दो बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ मैं इतनी गर्मी में। मेरे घर में अंधेरा है, कल से मेरे घर में लाइट नहीं है। मैंने बिजली विभाग में कहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने 6 दिन में 2 बार मेरी लाइट काटी। कहा कि तो आपके पति यहाँ पर एप्लीकेशन दे के गए हैं, मंत्रियों के फ़ोन आ रहे हैं, निजी सचिव के फ़ोन आ रहे हैं, आपके पति हमारे से ऊपर से का दबाव पड़ रहा है, मुख्यमंत्री के यहाँ से हमारे यहाँ फ़ोन आ रहे हैं लाइट काटने का, हमें वहाँ से आदेश मिला है। बताइए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बिजली के अधिकारी मेरे पास पड़ोसियों से ये तक कह के गए कि हमें कोई लाइट ना दी जाए, हमारी कोई मदद ना करे, हमारे घर में लाइट अगर जलती नज़र आए तो हमें तुरंत शिकायत करी जाए। बताइए सर मैं किसी से लाइट भी नहीं दे सकती, मेरा बिजली कनेक्शन कट गया, मैं कहाँ जाऊँ, ये बच्चों को इतनी गर्मी में कहाँ लेके जाऊँ मैं। ये सरकार इस सरकार में सब कहते हैं कि बेटी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, सबकी लेडीज की सुनवाई है, क्या मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं जीना जी सकती। सबको जीने का हक है, मुझे जीने का हक नहीं है, मेरे बच्चों को जीने का हक नहीं है। बताइए सर मैं कहाँ जाऊँ, मेरा पति मुख्यमंत्री के आवास पे बैठता है तो क्या वो मंत्री बन चुके, मुख्यमंत्री वही हो गए, वही जो जो कहेंगे वो होगा, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। सर उनके लिए कानून नहीं, हमारे लिए कानून है, उनके लिए कानून नहीं है, वो हमारे संग कुछ भी करेंगे। आप बताइए, मैं अपने बच्चों को लेकर सुसाइड कर लूँगी अगर मेरी किसी ने मदद नहीं करी। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, 9 महीनों से मैं ये सब झेल रही हूँ। नमन बोलो, नमन बताओ। ये सब किया है पापा ने और लाइट कटवाई है, कल से लाइट कटी हुई है हमारे घर की, कल से अंधेरा है और सब पापा वहीं से करवा रहे हैं, ये सब अपने ऑफिस में बैठ के कह रहे हैं कि लाइट कटवा दो, लाइट बंद हो गई है, लाइट कटवा दी है और हम कैसे। सर बताइए जरा, जैसे बच्चे मेरे कैसे बिना लाइट करेंगे, आप बताइए कहाँ जाऊँ मैं सर बच्चों को लेके, मेरी मदद कीजिए प्लीज़ सर, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति अपनी नौकरी का, अपने मुख्यमंत्री के यहाँ रहने का इतना फ़ायदा उठाने के लोगों को नाजायज़ परेशान किया जा रहा है, कभी मेरे पापा के खिलाफ एप्लीकेशन लगाते हैं कि उनको नौकरी से निकाल दो, कभी मेरे भाई के ख़िलाफ़ लगाते हैं कि मेरे भाई को नौकरी से निकाल दो, कभी मेरे खिलाफ़ डिवोर्स केस मेरे लिए डाल दिया, जगह जगह मेरी थानों में जगह जगह एप्लीकेशन देते हैं, मेरी शिकायतें करते हैं। बताइए क्या मैं से क्या गलती की है मैंने, गलत उन्होंने किया मेरे साथ, 17 साल मेरी शादी को हो गई, मैं हर गलती पे उनकी पर्दा डालती आई, हर बार सोचती आई चलो कोई बात नहीं बच्चे हैं मेरे सुधर जाएंगे सही हो जाएगा सब सही हो जाएगा, लेकिन मेरे संग 17 साल बाद आज मुझे ये कंडीशन देखनी पड़ रही है। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। हम नहीं बोलेंगे बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। रुके भैया आपके यहाँ पर। अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे।